बच्चों, जैसा कि हमने पिछले कालखंड में संयोजी ऊतक के बारे में अध्ययन किए, हम संयोजी ऊतक के भाग पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी का अगला भाग है, कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक को स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है, और जो कंकाल बना होता है ये इसी प्रकार के ऊतक से बना होता है, कंकाली ऊतक से बना होता है। इसको हम अवलंबन या सपोर्टिंग ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक अवलंबन प्रदान करता है। ठीक है, संरचना के आधार पर देखते हैं तो ये जो कंकाली संयोजी ऊतक है ये दो प्रकार का होता है, एक उपास्थि और दूसरे कहते हैं अस्थि। उपास्थि को हम कार्टिलेज कहते हैं और अस्थि को हम बोन कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका बारी बारी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उपास्थि। इसका जो मैट्रिक्स होता है आधारी, जो आधार भाग होता है मैट्रिक्स, ये अर्ध ठोस प्रकार का होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है उपास्थि का ये अर्ध ठोस प्रकार का होता है, लचीला पारदर्शक। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है, कॉन्ड्रिन जो है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। जो अधात्री होती है मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, हर तरफ तरल प्रकार का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, इस प्रकार से बीच बीच में खाली स्थान होता है ऐसा। इन खाली स्थान को हम लेकुनी कहते हैं, गर्तिकाएं या लेकुनी। क्या कहते हैं? गर्तिका या लेकुनी। मैट्रिक्स के बीच बीच में जो गैप होता है, खालिस्तान होता है, इन्हीं को हम गर्तिका या लेकुनी कहते हैं। ठीक है, इसमें इन गैप में या इन खाली स्थानों पर एक प्रकार के तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जिसमें एक से लेकर चार तक, इन खाली स्थानों में एक से लेकर चार तक जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं, इन खाली स्थानों पर जो है कॉन्ड्रियो ब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या एक से लेकर चार तक हो सकती है, और ये इन्हीं खाली स्थानों पर पाए जाते हैं। शायद ये यही जो कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन होता है का श्रवण करती हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया आपको मैं कि कॉन्ड्रिन जो होता है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्ड्रिन है, इन कॉन्ड्रिन का श्रवण जो होता है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से होता है। अब इस पुष्पा देखते हैं इनके प्रकार। तो संरचना की दृष्टि से जो है देखिए, उपास्थि जो होता है चार प्रकार का होता है। उपास्थि जो होता है चार प्रकार का होता है। सबसे पहला बोलते हैं जो प्रकार है उसको बोलते हैं कचाब उपास्थि। कचाब उपास्थि, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइलिन कॉर्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कॉर्टिलेज कचाब उपास्थि। अगर इसका हम मैट्रिक्स देखते हैं
इस उपास्थि का, तो ये स्वच्छ होता है, अर्ध पारदर्शक होता है, हल्का नीले रंग का होता है, लचीली होती है और इनमें किसी प्रकार का तंतु जो है नहीं पाया जाता है। इनमें तंतु जो है ऑब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो उपास्थि होता है ये खासकर श्वास नली, हायाड, स्टर्नम, रिप्स, ये जो पसली होती है उन जगहों पर इस प्रकार का उपास्थि पाया जाता है। दूसरे प्रकार के जो उपास्थि होता है इनको हम कहते हैं रेशेदार उपास्थि। रेशेदार उपास्थि ये इसको हम फाइब्रस कॉटलेज भी कहते हैं। इसके अधात्री में जो मैट्रिक्स होता है इनके अधात्री में कोलेजन तंतु का गुच्छा पाया जाता है। ये काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम होता है या कशेरुक दंड के बीच बीच में जो कशेरुक गद्दियां पाई जाती हैं, ये जो कशेरुक गद्दियां होती हैं इन्हीं कशेरुक गद्दियों में इसी प्रकार के उपास्थि से बना होता है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम या कशेरुक दंड के बीच बीच में जो कशेरुक गद्दियां होती हैं इन गद्दियों में इसी प्रकार का उपास्थि अर्थात रेशेदार उपास्थि जो है विद्यमान होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रकार का उपास्थि, उसको हम बोलते हैं लचीली उपास्थि। लचीली लचीली उपास्थि, लचीली उपास्थि जो होता है ये रेशेदार उपास्थि समान ही होता है। अधात्री में जो होता है इसमें पीली तंतु का जो है जाल बिछा होता है, ठीक है। इनमें जो है पीले तंतुओं का जो है जाल बिछा होता है। ये खासकर नाक, कान, इपिग्लॉटिस, इन जगहों पर इस प्रकार की अस्थि पाया जाता है। और चौथे प्रकार का जो है आपका जो उपास्थि होता है इसको हम कहते हैं कैल्सिफाइड उपास्थि। कैल्सिफाइड उपास्थि, ठीक है। कैल्सिफाइड उपास्थि ये कचाव उपास्थि के समान ही होता है। ये जो उपास्थि होता है कैल्सिफाइड उपास्थि ये कचाव उपास्थि के समान ही होता है। बाद में जो है इनमें कैल्शियम लवण के जमा होता है जिससे ये कठोर और ठोस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है कैल्सिफाइड, इसलिए इनमें धीरे धीरे जो है कैल्शियम का जमाव होता है। कैल्शियम के जमाव होने के कारण जो है ये काफ़ी सख्त और ठोस हो जाते हैं। लचीलापन जो होता है जब वो सब समाप्त हो जाती है। ये जो उपास्थि होता है खासकर ये मेखलाएं, जो आपका मेखलाएं होते हैं गर्डिस कहते हैं, अंश मेखला और श्रोणी मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, फीमर, ह्यूमरस के सिरों पर जो है इस प्रकार के उपास्थि पाया जाता है, ठीक है। ये चार प्रकार के उपास्थि, अर्थात उपास्थि को हम चार भाग मारते हैं, कचाव उपास्थि, रेशेदार उपास्थि, लचीली उपास्थि और कैल्सिफाइड उपास्थि, ठीक है। अब इसके पश्चात देखते हैं अस्थि। अस्थि जो होता है ये उपास्थि से बिल्कुल भिन्न होता है। इसकी संरचना अस्थि से जटिल होती है। अगर ये ठोस, कठोर, ठीक है, संजीव तक है, एक प्रकार संजीव तक है जो ठोस होता है, कठोर होता है। अधात्री में सेल, तंतु सब पाए जाते हैं। अधात्री में जो होता है सेल भी होता है और में तंतु भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो अधात्री होता है देखिए अलग क्यों है। इसके अधात्री जो होता है ये ओसी नामक प्रोटीन से बनता है।
ठीक है, दोनों का धात्री अलग अलग होता है। उपास्थि की जो धात्री होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है, जबकि अस्थि अस्थि बोन अस्थि की जो अधात्री होता है वो ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो 30% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होता है लगभग 30% भाग जो है ये प्रोटीन से बना होता है। अधात्री में जो होता है कोलेजन तंतु, अस्थि कोशिकाएं, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, अकार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण सभी पाए जाते हैं। इसी वजह से जो होता है ये उपास्थि की तुलना में अस्थि कठोर होती है, क्योंकि इसमें कार्बनिक लवण भी होते हैं और अकार्बनिक लवण भी विद्यमान होते हैं। जलाने पर जो देखिए कार्बनिक लवण, अगर किसी अस्थि जलाते हैं मान लीजिए, अस्थियों को जलाने पर जो है जो कार्बनिक लवण होता है ये तो धुआं बनकर उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो अकार्बनिक लवण होते हैं ये वही शेष रहते हैं। जब आप हड्डी जलाते हो तो राख बचता है, शेष बचता है, उसमें अकार्बनिक लवण जो है विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अस्थि में कार्बनिक लवण भी होता है और अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अगर इसको हम लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में क्रिया करते हैं कि HCl से, या किसी अस्थि को HCl में डुबाइए आप, HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किसी अस्थि को अगर डुबाते हैं या किसी क्रिया कराते हैं तो जो अकार्बनिक तत्व होता है वो सब निकल जाता है, जिससे हड्डी लचीली और नरम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इसी क्रिया करके जो अकार्बनिक तत्व होते हैं वो सब निकल जाता है, जिससे अस्थि जो होता है नरम और मुलायम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अस्थि में जो होता है दोनों प्रकार के लवण पाए जाते हैं। समस्त प्रकार के जो बोन्स होते हैं, ठीक है, अस्थि जो होता है, जितनी जो अस्थि होते ठोस होती हैं ये सब अस्थि कहलाती हैं, है ना, जो नरम पार्ट होता है उपास्थि है और जो ठोस पार्ट्स होता है वो अस्थि कहते हैं। अब इसकी हम संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना, अस्थि की संरचना, अगर एक हम फ्रॉग या मेंढक का अगर फीमर देखते हैं, उसका टीएस देखते हैं मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से उसका टीएस होता है इस प्रकार सा,
प्रकार से एक तीर्थ संरचना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर एक अस्थि की संरचना, ठीक है। अस्थि जो होता है इसकी अधात्री मैट्रिक्स में कोलेजन तंतु, अस्थि कोशिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण के अलावा जो होता है कई प्रकार के कार्मिक तत्व और अकार्मिक तत्व जो है इसकी अधात्री में पाए जाते हैं। 50% जो अधात्री होता है, ठीक है, इसका अधात्री का जो है हड्डी का या अस्थि का 50% पार्ट जो होता है ये सिर्फ अधात्री से बनता है, ठीक है। अस्थियों का जो 50% पार्ट जो होता है वो अधात्री से बना होता है। अब देखिए अस्थि के चारों तरफ, चारों ओर जो होता है एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टियम। ये है आपका पेरिस्टियम। ठीक है, ये संयोजी ऊतक का अस्थि के सबसे बाहर की ओर जो है ये कई तरह का होता है। अस्थि के सबसे बाहर कंकाली संयोजी ऊतक का बना एक आवरण होता है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम स्टियम कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। इसी आवरण से जो होता है ये जो बाहर का जो आपको दिख रहा आवरण पेरियोस्टियम, इसी आवरण से दूसरी अस्थि या टेंडांस या फिर लिगामेंट जो होते हैं ये सब इसी से अटैच रहते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सबसे बाहर का भाग है इसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम के आंतरिक भाग पर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की एक स्तरीय परत होती है, ये ओसिन का श्रवण करता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो आपका ये जो एक परत इस प्रकार से देख रहे हैं आपका, ये आपका ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, पेरियोस्टियम के अंदर की ओर जो है एक स्तरीय मोटी ऑस्टियोब्लास्ट स्तर पाई जाती है। ये जो आपको दिख रहा है आपका ये ऑस्टियोब्लास्ट का एक कोशी स्तर है, ऑस्टियोब्लास्ट स्तर होती है। इस ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है ये ओसिन का श्रवण करता है, यही ऑस्टियोब्लास्ट स्तर जो होता है जो ओसिन प्रोटीन होता है इस ओसिन प्रोटीन का ये श्रवण करता है, ठीक है। फिर ये जो पेरियोस्टियम के बाहर भाग की ओर, पेरियोस्टियम के बाहरी भाग पर जो है असंख्य तंतु स्तर पाए जाते हैं, ये तो अंदर आंतरिक स्तर हो गया। इसके बाहर की ओर जो होता है असंख्य पेशी स्तर जो होता है, असंख्य जो है तंतु स्तर पाया जाता है। पेरियोस्टियम के अंदर जो है अधात्री अनेक धारे के रूप में जिन्हें हम लेमिली कहते हैं। अब देखिए जो धारी बना हुआ इस प्रकार से पेरियोस्टियम के अंदर जो है ये जो अधात्री होता है एक धारी के रूप में जो है व्यवस्थित रहता है, ठीक है। ऐसा लंबा लंबा लाइन के रूप में जो होता है जो है रहता है, इसको हम कहते हैं लेमिली। अधात्री जो होता है एक धारी के रूप में जो है व्यवस्थित होती है, इन धारियों को हम लेमिली कहते हैं, ठीक है। इस लेमिली में बहुत सारे खाली स्थान होता है, इस लेमिली के अंदर जो है बहुत सारे खाली स्थान होती है जिसे हम लेकुनी कहते हैं। अब ये जो आपका संरचना दिख रहा है इस प्रकार से ऐसा, इसी को हम कहते हैं लेकुनी, ठीक है। ये जो धारी संरचना होती है इसको हम कहते हैं लेमिली। इसी लेमिली पर जो है ऐसी धारियों पर जो है बहुत सारे ऐसा खाली स्थान होता है, स्थान होते हैं, इसको हम कहते हैं लेकुनी, ठीक है। फिर प्रत्येक लेखनियों में जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इसके अंदर जो होती है
इसमें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट। प्रत्येक लेकुनी के अंदर में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हर लेकुनी के अंदर जो है पाई जाती है। प्रत्येक जो लेकुनी होता है, ठीक है, ये पतले पतले नलिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। इस प्रकार संरचना है, ये आपका धारी है, ठीक है, इसमें आपका जो लेकुनी होगा इस प्रकार से रहता है, ऐसे नलियां होती हैं इस प्रकार से, ऐसा ऐसी संरचना है, ठीक है। दूसरी धारी पर भी इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसा पतली पतली नलिकाएं, ऐसा। और ये दोनों नलिकाएं जो होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केनालिक कुली। दो लेकुनी जो होता है पतले पतले या छोटे छोटे नलिकाओं द्वारा जो आपस में जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं केनालिक कुली। तो केनालिक कुली के द्वारा जो है दो लेकुनी आपस में अटैच होती हैं। इन शाखित नलियों के अंदर जो होता है एक मुलायम पदार्थ भरा होता है, ठीक है, इन नलियों के अंदर में जो है एक मुलायम पदार्थ भरा होता है, इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ये जो यहां दिख रहा है आपका, ये जो होता है ये अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा है। ये इस प्रकार से वो देखिए, ये दो नलिका है इस प्रकार से, एक कोशिका ऐसा, एक लेकुनी के बीच में नली ऐसा, और दूसरा लेकुनी, ठीक है, बीच में आपका ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, और इसी के बीच में जो होता है एक मुलायम पदार्थ भरा होता है नलियों के बीच में, इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो लेकुनी के बीच में जो नलियां होती है, इसी नली में जो होता है मुलायम पदार्थ भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मारो कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा जो है चारों तरफ से एक संयोजी ऊतक का दोहरा आवरण है ना, इस अस्थि मज्जा के चारों तरफ जो होता है संयोजी ऊतक का दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडोस्टियम। इंडोस्टियम, ठीक है, प्रत्येक अस्थि मज्जा के चारों तरफ संयोजी ऊतक का एक दोहरा आवरण पाया जाता है, इस आवरण को हम इंडोस्टियम कहते हैं। अस्थि मज्जा में जो है बीच में वसा कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, ये सारी चीज जो है इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अस्थि मज्जा के अंदर जो होता है वसा कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, और रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है। ये जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जाओं के सिरों पर, ठीक है, अस्थियों के सिरों पर जो होता है, जो सीधा होता है अग्रभाग, अब अलग अलग अस्थि मज्जा से अलग अलग प्रकार के ब्लड कणिका का निर्माण होता है। अक्सर जो होता है अस्थियों के सिरों पर जो है लाल अस्थि मज्जा और अस्थियों के बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है पीली अस्थि मज्जा। ये जो लाल अस्थि मज्जा होता है जनरली समानता ये अस्थियों के सिरों पर पाए जाते हैं,
ठीक है, जबकि पीली अस्थि मज्जा जो होता है ये अस्थियों के बीच बीच में पाए जाते हैं, मध्य में पाया जाता है। लाल अस्थि मज्जा से बनता है आरबीसी, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जबकि डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी बनता है और पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अस्थियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वहां पर जो है ब्लड कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। पतली पतली जो अस्थियां होती हैं शरीर के अंदर, जो भी पतली पतली अस्थियां होती हैं उनके अंदर पर किसी प्रकार का अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता, जो मोटी अस्थि होती है उन्हीं के अंदर जो है अस्थि मज्जा पाई जाती है, ठीक है। अब जो इन अस्थि मज्जाओं को या अस्थियों को जो है भोज्य पदार्थ पहुंचाने हेतु अधात्री में जो है रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा होता है, ठीक है। इस अस्थि मज्जा तक या अस्थियों तक जो है ब्लड पहुंचाने हेतु या पोषण या भोजन लाने हेतु जो है रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा होता है, कहां पर? इन अधात्री में, ठीक है। रुधिर वाहिनियों का जो है जाल बिछा होता है, इन्हीं वाहिनियों के माध्यम से इन अस्थियों को जो है फूड सप्लाई होता है, अर्थात भोजन जो है सप्लाई होता है। तो पतली पतली बहुत सारे असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं धात्री में, ठीक है। इन नलिकाओं को हम हेवर्सियन नलिका कहते हैं। हेवर्सियन नलिका, हेवर्सियन नलिका, ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं जो कि अधात्री में पाई जाती हैं, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो बोन्स होते हैं या जो अस्थि मज्जा होता है उन तक जो है रक्त पहुंचता है, खाद्य पदार्थ पहुंचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हेवर्सियन नलिकाएं जो है इन अधात्रियों में पाए जाते हैं। इन हेवर्सियन नलिकाओं के चारों तरफ लगभग 8 से 15 की संख्या में कुछ पटलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन नलिकाओं के चारों तरफ जो है 8 से 10 की संख्या में पटलिकाएं पाई जाती है। नलिका और पटलिका, ये जो हेवर्सियन नलिका होती है, हेवर्सियन नलिका और पटलिका को हम एक साथ मिला करके हेवर्सियन तंत्र कहते हैं, ठीक है। हेवर्सियन तंत्र में आपका नलिका भी आता है और पटलिका भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एक बोन का स्ट्रक्चर, एक अस्थि की संरचना है। अब देखते हैं अस्थि के प्रकार। अस्थि जो होता है ये दो प्रकार का होता है, संरचना दृष्टि से जो है अस्थि दो प्रकार का होता है। एक अस्थि को बोलते हैं कलाजात अस्थि, कलाजात अस्थि, और दूसरे प्रकार के अस्थि को हम कहते हैं उपास्थिमय अस्थि, उपास्थिमय अस्थि। दो प्रकार का होता है, कलाजात अस्थि और उपास्थिमय अस्थि। ये जो पूरा शरीर का जो बोन्स होते हैं, है ना, जितने भी अस्थि होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी पाया जाता है अस्थि होते हैं, सभी अस्थि जो है इसी प्रकार की अस्थि से बना होता है, कलाजात अस्थि से। हमारा जो स्कल होता है, जो खोपड़ी है, खोपड़ी में पाए जाने वाले समस्त अस्थियां, यहाँ छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर हमारा खोपड़ी बना हुआ है। तो खोपड़ी में पाए जाने वाले समस्त अस्थियां और शरीर के अंदर जितने भी चपटी अस्थियां होती हैं, सभी अस्थियां जो है ये कलाजात अस्थि से ही बना होता है, ठीक है।
अगर इसकी संरचना देखते हैं, निर्माण देखते हैं, तो इनका निर्माण जो होता है ये मेसोडर्म लेयर से होता है, मध्य चर्म स्तर से होती है। जिस भाग पर इन अस्थियों को बनना होता है शुरुआत अवस्था में, है ना, जिस भाग पर जो है इन अस्थियों को बनना होता है, उन जगहों पर जो है सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज, जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, रुधिर वाहिनियां, उन जगहों पर जो है जाकर रुधिर वाहिनियों का एक जाल बनता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो सबसे पहले जो है जिन स्थानों पर जो है ये अस्थियां बनने का होती है, उन स्थानों पर जो होता है रुधिर वाहिनियों का जो है सबसे पहले जाल बन जाता है। वहां पर जो होता है ये मेसेनकाइमा कोशिकाएं, उसके पश्चात जो है आपका मेसेनकाइमा, जाल बनने के पश्चात जो होता है मेसेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अर्थात मेसेनकाइमा से ही फाइब्रोब्लास्ट कोशिका ब्लास्ट कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। फिर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं का जो है ये निर्माण करती हैं, जहां पर फाइब्रोब्लास्ट कोशिका बनने के पश्चात जो है कैल्शियम लवण का जमाव होता है और अंदर और बाहर की ओर जो है एक आवरण बनता है। कैल्शियम लवण की उपस्थिति के आधार पर जो है अस्थि के अंदर और बाहर जो है एक आवरण जो है तैयार होता है। फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ओसिन का श्रवण करती हैं। ओसिन एक प्रोटीन होता है ना, ओसिन का श्रवण करती हैं। फिर ये जो ओसिन होता है ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करता है। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिका सेल का निर्माण होता है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका बाहर और अंदर की ओर डिवाइड होती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की जो बाहरी स्तर होता है इसको हम पेरिऑस्टियम कहते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट की जो अंदर की स्तर होता है इसको हम इंडोस्टियम कहते हैं, ठीक है। बाहर और अंदर दोनों डिवाइड होती हैं। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका होती है ये बाहर की ओर भी डिवाइड होता है और अंदर की ओर भी डिवाइड होता है। तो जब बाहर को डिवाइड होता है तो बाहरी स्तर का निर्माण करता है, और अंदर की ओर जब डिवाइड होती है तो आंतरिक स्तर का निर्माण करता है, है ना। तो इसी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बाहरी भाग को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, बाहरी भाग को कहते हैं आपका पेरिऑस्टियम, और आंतरिक स्तर को कहते हैं इंडोऑस्टियम, ठीक है। इस प्रकार से दो अलग अलग स्तर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये कलाजात अस्थि का निर्माण होती है। दूसरे प्रकार का जो अस्थि होता है उपास्थिमय अस्थि, उपास्थिमय अस्थि, उपास्थिमय अस्थि जो होता है ये भ्रूण की उपास्थि को, जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके वो उसी के स्थान पर बनता है। इसको हम रिप्लेसिंग अस्थि भी कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। रिप्लेस मतलब उसको हटा करके, है ना, जहां पर उपास्थि होता है उसको हटा करके, भ्रूण की जो उपास्थि होता है उसको रिप्लेस करके, नष्ट करके, हटा करके उसके स्थान पर ये बन जाता है, अस्थि बनता है। इसलिए इसको नाम पड़ गया उपास्थिमय अस्थि। जो हाथ पैर की जो अस्थि होती है ये इसी प्रकार की उपास्थिमय अस्थि का बना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंकाली संयोजी ऊतक जो होता है इसको हम संरचना की दृष्टि से हम दो भाग मारते हैं, ये तो उपास्थि और दूसरा अस्थि, है ना। और ये जो उपास्थि और अस्थि जो है मिल करके पूरे शरीर को अवलंबन प्रदान करते हैं और शरीर के लिए जो है ढांचा बनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस पीरियड में या इस कालखंड में कंकाली संयोजी ऊतक के बारे में अध्ययन किए, जिसके अंतर्गत हमने अस्थि और उपास्थि की संरचना,
और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, नेक्स्ट कालखंड में हम अगले संयुक्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।